राधे राधे दोस्तों, वेलकम बैक टू माय चैनल। दोस्तों आप सब कैसे हैं? आई होप आप लोग बहुत अच्छे होंगे। दोस्तों आज का जो टॉपिक है सबसे अलग और सबसे हटके होने वाला है। ये टॉपिक उन्हीं लोगों के लिए है जो जॉब करते हैं जैसे, और जिनको बिल्कुल भी टाइम नहीं मिल रहा है। जो लोगों की कमेंट होती है कि मुझे बिल्कुल टाइम नहीं मिल रहा है, एक घंटा या आधा घंटा का टाइम मिल रहा है। दोस्तों जो मैं वीडियो बनाना बताऊँगी ये सिर्फ 5 मिनट का काम है। मात्र 5 मिनट निकालिए और ऐसी वीडियोज़ आप बना सकते हैं विदाउट फेस, विदाउट वॉइस, नो वॉइस नो फेस। आप फेस भी नहीं दिखाना है, वॉइस भी नहीं करनी है, और ये वीडियोस क्रिएट करके अच्छी खासी रेवेन्यू को जनरेट कर सकते हैं। आप बहुत ही आसान तरीके से ऐसी वीडियोस को आप बना सकते हैं। अगर आपको बिल्कुल टाइम नहीं मिल रहा है, बिल्कुल फ्री नहीं होते आप जॉब करते हैं, 5-10 मिनट या आधा घंटा या घंटा ही मिलता है, तब भी आप ये बहुत ही अच्छी तरीके से बहुत ईजिली ऐसे वीडियोस को आप क्रिएट कर सकते हैं। बहुत ही अच्छा चैनल है, मुझे बहुत ही अच्छा लगा तो मैंने सोचा आप लोगों के साथ ये चैनल शेयर कर दूं। बहुत ही प्यारा सा है और सब आपको बताऊंगी, एक्सप्लेन करने वाली हूँ कि ऐसी वीडियोस कैसे बनेगी और आपको कहाँ से ऐसा फ़ोटोज कहाँ से क्या लेना है और ऐसा कैसे बनाना है। बहुत ही ट्रेंडिंग में चल रहा है दोस्तों। यूट्यूब से भी लोग कमाते हैं ऐसे बनाकर, फेसबुक से भी कमाते हैं, इंस्टाग्राम से भी कमाते हैं, क्योंकि बहुत ही देखना सब पसंद करते हैं। जो भी वीडियो देखता है तो पूरी वीडियो देखता है तो बहुत ही अच्छे व्यूज आते हैं। आपको सबसे पहले एक चैनल दिखाते हैं जो आपको स्क्रीन पे दिख रहा होगा। देखिए ये चैनल है आरपी हेल्प इंडियन, ये चैनल है। आप ऐसे सर्च मत कीजिएगा, इसका हैंडल नेम आप सर्च एट द रेट आरपी के दोस्तों, ऐसे चैनल सर्च में नहीं आएगा। आप एट द रेट आरपी हेल्प इंडियन ऐसे लिखेगा तो चैनल सर्चिंग में आ जाएगा और आपके सामने चैनल ओपन हो जाएगा। देखिए ये लॉन्ग वीडियोस पे काम कर दे, थोड़ा भी ज़्यादा वीडियोस नहीं हुए, मात्र 38 वीडियोज है। सोचो आप 38 वीडियो में ही 18,600 सब्सक्राइब मिल चुके हैं, और आगे आप देखेंगे तो बहुत ही जल्दी इनके सब्सक्राइब है वो गेन हो जाएंगे। ऐसी ही वीडियो बनाते रहेंगे। इन्होंने क्या किया है, जब से ये वाली वीडियो डालना स्टार्ट किया है तो इनके चैनल बहुत ही जल्दी ग्रो हुआ है। और आप देख सकते हैं जो इनकी मोस्ट पॉपुलर वीडियोस है, देखिए 3.5 मिलियन है। आप देख सकते हैं 5,77,000, 4,19,000, और इनकी अभी 2-3 दिन की ही वीडियोस है जो मिलियंस में पहुंच चुकी हैं। जो भी देखता है पूरी वीडियो देखता है और अच्छी अच्छी कमेंट भी करता है, और लेटेस्ट जैसे वीडियोस पे जाते हैं तो इन्होंने क्या किया है कि अभी ये 2-3 देखो 4 वीडियो इन्होंने लगातार डाली हुई है, आप देख सकते हैं। तो इन्होंने 4 वीडियो लगातार डाली हुई है तो इनकी बहुत अच्छी वीडियोस में व्यूज आए हुए हैं, ठीक है। तो और जो इन्होंने और कोई कैसी भी किसी की डाउनलोड करके डाल दी है तो इनका क्या हुआ है, चैनल यहाँ पे नहीं चला है और इनके वीडियोस में अच्छे व्यूज नहीं आए हैं। और इनकी जो खुद की वीडियो इन्होंने बनाई, इनमें बहुत ही अच्छे व्यूज आ रही है। तो दोस्तों खुद का कॉन्टेंट बनाओ और बहुत ही अच्छे व्यूज आ जाएंगे। थोड़ा टाइम लगता है लेकिन बहुत ही अच्छे व्यू जाते हैं, कभी चैनल डाउन नहीं होता है, लाइफ टाइम चैनल चलता रहता है। और देखिए इन्होंने जैसी ये वाली वीडियोस हैं, और जो देखिए ये वाली वीडियोस हैं और ये वाली वीडियोस पे सब पे व्यू जा रहा, आप देख सकते हैं ऐसी वीडियोज। और देखिए ये मिलियन में हो गई है एक वीडियोज, अब इनके कितनी हुई है, 38 वीडियोज हुई हैं, ठीक है। आप इन्हीं वीडियोज पे काम कीजिए, इन वाली पे एक वीडियोज आपको चला के दिखाते हैं। जैसे आपको देखो स्क्रीन पे दिख रहा होगा, ठीक है, आपको स्क्रीन पे दिख रहा होगा क्या है वीडियो में, आप देख सकते हैं इस वीडियो में कुछ नहीं है। क्या है, हनुमान जी की फोटो है, जो फोटो होती है नॉर्मल सी फोटो है, और इन्होंने एक वेबसाइट से ऐसी बना रखी है फ़ोटो को, ठीक है। एक वेबसाइट होती है, वो आपको बताऊंगी कौन सी वेबसाइट है और कैसे ये फ़ोटो आप बना सकते हैं, ठीक है। तो बहुत ही आसान तरीके से ऐसी फ़ोटो आप बना सकते हैं, फिर एडिटिंग कर सकते हैं ऐसी फ़ोटो बना के। एक नॉर्मल फ़ोटो डाउनलोड कहाँ से करनी है, वो भी विदाउट कॉपीराइट, ताकि कॉपीराइट का स्ट्राइक या कॉपीराइट क्लेम का इशू कभी ना हो, बिल्कुल भी ना हो। लाइफ टाइम अपने चैनल को चला सकते हैं अपने, और हमेशा रेवेन्यू जनरेट कर सकते हैं। अब देख सकते हैं ये वीडियोस है, ये की फोटो होती है और ऐसे लिख देते, रुको जरा दिल से देखो, अपनी मन की आँख से देखो, बताया कि नज़र कौन आया आपको, ठीक है। तो क्या होते हैं, लोग देखते हैं, पहचान लेता है, वो पहचान लेता है, नहीं तो बहुत ही हिसाब से देखता रहता है पूरी वीडियो और कोई देखता हो जैसे कमेंट भी करता है तो बहुत ही अच्छी अच्छी कमेंट करता है, कोई बेकार कमेंट नहीं यहाँ पे मिलने वाली, क्योंकि भगवान का मामला है। तो इस हनुमान जी की फ़ोटो है, देखिए यहाँ पर बना रखी है और इसे पहचानना होता है, और यही फ़ोटो देखो आप आगे भी देख सकते हैं, जय श्री राम यहाँ पर लिखा है तो पहचानना होता है। दूसरी तीसरी फ़ोटो में उसमें भी हनुमान जी हैं, तो आप देख सकते हैं यही वीडियोज़ इसी
टाइप की वीडियोज़ आपको बनानी है। और बहुत लोग फेसबुक से भी ऐसे कमा के, आपने देखा होगा अगर आप कभी फेसबुक चलाएंगे तो ऐसी फ़ोटो जाती है, लोग लाइक करते हैं और कमेंट भी बहुत अच्छे करते हैं। यूट्यूब से भी कमाते हैं, इंस्टाग्राम से भी कमाते हैं, यूट्यूब से सब हर जगह से कमाते हैं। बहुत ही ट्रेंडिंग चल चुका है इन चीज़ों का, इसके आप वीडियोज़ तो ज़रूरी बना लीजिए। इन्होंने देखो बना रखा है तो बहुत ही अच्छे व्यूज आ रहे हैं। देखो 22-35 1 लाख 59 1 लाख, देखिए 4-5 दिन ओल्ड वीडियो हो जाती है तो उसमें 1 लाख से ऊपर हो जाता है। जैसे न्यू वीडियो रहती है 2 दिन या 3 दिन हुआ तो थोड़े कम व्यूज रहते हैं, 50,000-60,000। जैसे 2-4-5 दिन हो जाते हैं, 5 या 6 दिन हो जाते हैं तो वो 1 लाख पार कर जाता है। वीडियो में काफ़ी अच्छे और बहुत ही अच्छे व्यूज आ जाते हैं। इस तरीके से आप चैनल को क्रिएट कर सकते हैं। और ये वीडियो आपको बताएंगी कैसे, कौन सी वेबसाइट है, जैसे ये फ़ोटो आप बना सकते हैं बहुत ही आसान तरीके से, ऐसी फ़ोटो भी बनाएंगे और वीडियोज़ को क्रिएट भी करना बताएंगे, सब आपको बताएंगे। तो चलिए दोस्तों आपको वेबसाइट पर लेके चलते हैं। अब कौन सी वेबसाइट है ये आपको बताते हैं। दोस्तों आपको क्या करना है, वैसे वीडियो बनाने के लिए आपको क्या करना है, प्ले स्टोर पर जाना है। अगर इमेज सर्च मैन आपके फ़ोन में है, ये ऐप अगर है, मैं हर वीडियो में आपको बताती हूँ, इस ऐप में फ्री फ़ोटोज मिल जाती हैं, तो अगर आपके फ़ोन में तो अच्छी बात है, नहीं है तो डाउनलोड कर लीजिएगा। इस तरीके से इसको ओपन कीजिएगा, ओपन करके यहाँ पे किसी की भी फ़ोटो सर्च कर सकते हैं जिसकी आप फ़ोटो बनाना चाहते हो, जैसी मैंने आपको बताई हैं। वैसे अगर फ़ोटो बनाना चाहते तो किसी की भी फ़ोटो, जैसे शंकर जी की मैं एक बार कर लेती हूँ, भोलेनाथ या हनुमान जी की देखो कर लेते हैं, हनुमान जी फोटो इस तरीके से सर्च करना है तो यहाँ पे बहुत सारी फ़ोटो आ जाएंगी। इस तरीके से देखो फ़ोटोज आ जाएंगी और आपको कोई भी एक फ़ोटो है वो डाउनलोड करनी है, कोई भी फ़ोटो है उसको डाउनलोड कर लेना है। जैसे ये फ़ोटो है, बिल्कुल साफ़ फ़ोटो होनी चाहिए, बढ़िया सी, देख लेते हैं और कौन सी अच्छी फ़ोटो है। बिल्कुल अच्छी सी फ़ोटो होनी चाहिए, जैसे यही फ़ोटो डाउनलोड कर लेते हैं। ये फ़ोटो मैंने डाउनलोड कर ली है और अब आते हैं इधर, अब क्रोम पे जाना है, क्रोम पे जाना है, ठीक है, क्रोम पे जाना है तो यहाँ पे क्या सर्च करना है, यहाँ पे सर्च करना हगिंग, ठीक है, ये देखो हगिंग फेस ये वाला वेबसाइट है, ये वाला आ जाएगा, देखो ये पढ़ लो, ठीक है, इल्यूशन, ठीक है, हगिंग फेस इल्यूशन ये वाला है और इस पर क्लिक करना है। ओके, तो ये वाला देखिए आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए या देख लीजिए, अच्छे से लिख लीजिए। ओके, तो इस तरीके से आप देख लीजिए इसको क्या क्या लिखा है, किस किस कैसा कैसा लिखा है, सब आप देख लीजिए। और ये जो पहली वाली वेबसाइट है, जो पहली वाली ये वाली, इस पर ओपन करना है, इसको टैप करना है तो ओपन हो जाएगी इस तरीके से, ठीक है। तो कुछ इस तरीके का इंटरफेस खुल कर आएगा, ओपन हो जाएगा। यहाँ पे लिखा ड्रॉप इमेज हेयर, तो यहाँ पे ड्रॉप पे क्लिक करना है, तो ये वाली फ़ोटो है जो हनुमान की डाउनलोड की थी, इस पर क्लिक करना है और डन पे क्लिक कर देना है। ओके, तो ये वाली फ़ोटो आ जाएगी यहाँ पे। अब यहाँ पे क्या करना है आपको, ये वाला है जो, जैसे इसको क्या करना है, अगर बिल्कुल कम कर देंगे तो जो हनुमान जी की फ़ोटो बनेगी वो दिखेगी नहीं, ज़्यादा समझ में नहीं आएगी अगर आप इतना करते हैं। अगर आप देखो 1.18-19 कर देती हूँ, जैसे 19 कर लेती हूँ मैं, 19, ठीक है, चलो मेरे 19 कर लेती हूँ, 19-20 कुछ इस तरीके से, इस तरीके से आप भी कर लेना, 17-18-19 इस तरीके से। मैं 21 कर लिया, देखो 1.21 हो गया। अब यहाँ पे क्या करना है, अब यहाँ पर लो क्वालिटी लिखा है, यहाँ पर हाई क्वालिटी लिख देना, हाई क्वालिटी, ठीक है। ओके, अब यहाँ पे क्या लिखना है, विलेज, विलेज और ट्री लिख देना है, ट्री, ठीक है। मेरा मतलब ये है कि अगर आप विलेज ट्री करें तो गांव में ट्री, ट्री के हिसाब से हनुमान जी की फ़ोटोज बन जाएगी। अगर आप माउंटेन या कुछ और, या कुछ और भी बनाना चाहते हैं, पर्वतों पे कुछ और, कुछ कहीं और बना सकते हैं, सनराइजिंग, सन मतलब सूरज निकल रहा है तो उसके ऊपर भी बन सकता है, आप यहाँ पे लिख दीजिए, उस हिसाब से भी वो बन जाएगी फ़ोटो, ठीक है। तो इतना लिखने के बाद में आपको क्या करना है, रन पे क्लिक करना है, रन पे, ठीक है। जैसे ही आप रन पे क्लिक करेंगे तो कुछ इस टाइप का आएगा,
ओके तो तुरंत कभी कभी हो जाता है, वार्निंग देने लगता है, लेकिन कोई प्रॉब्लम नहीं है। देखो फिर से आप रन पे क्लिक करना अगर एक बार में नहीं हो रहा, क्योंकि कभी कभी वेबसाइट होती है वो बिजी हो जाती है ज़्यादा। तो ये देखो चल रहा है ये, ठीक है, तो अभी ये चल रहा है तो थोड़ा टाइम लग जाएगा, और अभी ये फ़ोटो बन के रेडी हो जाएगी। फिर आप देखना कैसे बनती है, बहुत ही अच्छे तरीके से देखिए बन गई है। अभी थोड़ा सा और टाइम लगेगा, बस बन जाएगी इस तरीके से, आप देख लीजिए और अपने तरीके से यहाँ पे हाई क्वालिटी देख लीजिए, विलेज के हिसाब से किस तरीके से आपको फ़ोटो चाहिए। अब देखिए ये फ़ोटो है जो हनुमान जी की बन के आ गई है। आप देखिए ध्यान से इसको, नज़र या ध्यान से देखिए, ये विलेज मैंने डाला था और ट्री डाला था, ट्री पर मतलब हनुमान जी की फ़ोटो बन जाए। देखिए आप ध्यान से देखिए तो ये हनुमान नज़र आएंगे इसमें, हनुमान जी नज़र आएंगे। तो फिर क्या करना है, ठीक है, जैसे ही आपकी ये फ़ोटो बन के आ जाती तो यहाँ पे देखिए ये मिल जाएगा डाउनलोड का, ये डाउनलोड का मिल जाएगा, यहाँ पे क्लिक किया जाए तो आपकी फ़ोटो डाउनलोड होके गैलरी में पहुँच जाएगी। ओके आपकी बन गई है। देखिए अगर इसको और ज़्यादा आप दिखाना, इसको डार्क दिखाना चाहते हैं, लोग देखते ही पहचान ले कौन है, ठीक है, लोग देखते ही, तो इसको बस आप बढ़ा दीजिएगा, इसको इस तरीके से इसको बढ़ा दीजिएगा, ज़्यादा मत बढ़ाइएगा क्योंकि ज़्यादा फिर हो जाएगा। तो इसको अगर देखो मैंने 21-22 रखा था, तो आप 25-26 रख सकते हैं, 44-45 भी रख सकते हैं, ठीक है। तो आप इस तरीके से इसको बढ़ा लीजिएगा, उसी टाइप से ये फ़ोटोज है वो बन जाएगी। ओके आप यहाँ से कोई भी फ़ोटो, और जैसे विलेज ट्री लिखा था मैंने, अगर सनराइज़ विलेज ट्री या विलेज ट्रीज लिखते हैं, या जंगल लिख दो तो जंगल में आ जाएगी, पर्वत पर्वत के आ जाएगी, जहाँ आपकी मर्जी हो वो यहाँ पे बस टाइप कर दीजिए, बस वो आ जाएगा बन के। यहाँ पे हाई क्वालिटी कर दीजिए और इसको बढ़ाता घटाता जो भी आप चाहते हैं, ज़्यादा दिखे या बिल्कुल कम दिखे, लोग पहचान ना पाएँ या लोग पहचान लें, तो इस तरीके से आप इसको ज़्यादा कर सकते हैं, 45 कर सकते हैं, मैंने 25 पे किया था, ठीक है। तो इस तरीके से आप कर सकते हैं, आपकी देखो फोटोज है वो बन चुकी है। आप वीडियो जब कैसे बनानी है, अब यहाँ से हट जाना है, ठीक है, यहाँ से हट जाना है। अब आपको क्या करना है, आपको काइन मास्टर पे आना है, काइन मास्टर पे क्लिक करना है इस तरीके से, ठीक है। मैंने चैनल दिखाया था, बहुत ही अच्छा है चैनल, और बहुत ही जल्दी ऐसी वीडियोज को आप बना सकते हैं बहुत ही आसान तरीके से। अब काइन मास्टर को ओपन करके क्रिएट न्यू पे क्लिक करना है, 9:16 रेशियो को जो है सेलेक्ट कर लेना इस तरीके से, और क्रिएट पर क्लिक कर देना, ठीक है, क्रिएट पे क्लिक कर देना है। फिर आपको क्या करना है, क्रिएट पे क्लिक करके जैसे आपको, जैसे ये वाली जो फ़ोटो है, जो ये वाली फ़ोटो है, ये जो ये वाली ले लेनी है फ़ोटो हनुमान जी की, देखिए कितनी प्यारी लग रही है, और लोग ऐसे पहचान भी नहीं पाएंगे। अब क्या करना है, अब पैन एंड जूम पे क्लिक करना है और इसको इक्वल पे क्लिक कर देना है, तो इनकी फ़ोटोज को ऐसे कुछ इस तरीके से जूम कर लेना, इतना इतना कर लेना, तो देखने में भी अच्छा लगेगा। और आप चाहें तो वहाँ पे पट्टी पे लिख सकते हैं, और यहाँ पे फ़ोटो क्योंकि ब्लैक ब्लैक रहेगा तो कुछ आप लिख पाएंगे, ठीक है। तो इस तरीके से आप फ़ोटो को कर लीजिए और इस फ़ोटो को ऐसे बड़ा कर लीजिए, 15 सेकेंड या 22 सेकेंड या जितनी देर आप करना चाहते हैं वीडियो को, तो उतना कर सकते हैं, इसे एडजस्ट कर सकते हैं इस तरीके से, ठीक है। ना फोटो कितनी बढ़िया बन तो आपकी वीडियो कुछ इस तरीके से हो जाएगी। अभी फ़ोटो लग चुकी है अच्छे से, और मेरी 22 सेकेंड की है, तो आप चाहें तो अपनी मर्जी के हिसाब से आप कर सकते हैं। और देखो अब यहाँ पे क्या करना है, यहाँ पे लिखना है कुछ आपको, लेयर पे क्लिक करना है और टेक्स्ट पे क्लिक करना है, ठीक है। तो यहाँ पे क्या लिख देना है, अब यहाँ पे देखो क्या लिख देना है, रुको जरा दिल से देखो, देखो देखो इस तरीके से, ठीक है। तो यहाँ पे इतना लिख दिया, अभी यहाँ से कोई इमोजी लगा देना, आपको इमोजी अच्छी सी जो देखने में बहुत अच्छी हो और लोग देखना पसंद करें, इस तरीके से यहाँ पे लगा देना, इसको इस तरीके से बड़ा कर देना है यहाँ पे। ओके इस तरीके से जैसे बड़ा कर देंगे तो आपको क्या करना है, अब यहाँ पे फ़ॉन्ट पे क्लिक करना है, फ़ॉन्ट पे कोई भी फ़ॉन्ट ले लेना है, यहाँ पे फ़ॉन्ट लगा देना, जैसे मैं ए वाला फ़ॉन्ट लगा दे रही हूँ, ठीक है, तो ए वाला फ़ॉन्ट लगा दे रही हूँ। देखिए यहाँ पे फ़ॉन्ट लग चुका है, अगर आपके फ़ोन में फ़ॉन्ट नहीं है तो आप यहाँ पे क्लिक करके, यहाँ पे देखिए दोस्तों बहुत सारे फ़ॉन्ट हैं वो देखने को आपको मिल जाएंगे, आप यहाँ से फ़ॉन्ट को डाउनलोड कर सकते हैं। अब देखो देवनागरी पे जाएंगे तो यहाँ पे बहुत सारे फ़ॉन्ट मिल जाएंगे, और आप कोई भी फ़ॉन्ट डाउनलोड कर लीजिएगा और अच्छे तरीके से आप फ़ॉन्ट को यूज कर सकते हैं, ओके फ्री में। और मेरे में देखो ऑलरेडी इतने डाउनलोड मैंने यहीं से किए हैं, और मैंने कहीं से ऐड नहीं किए हुए हैं,
आप अच्छे से डाउनलोड कर लीजिएगा। ओके, तो इतना देखो हो गया है। और अब आपको क्या करना है, जैसे अगर आप लिखा हुआ है तो लिखे हुए को अगर आप कलर देना चाहते हैं, कलर दे जैसे येल्लो दे दीजिए, आपकी मर्जी है, ठीक है, येल्लो देना चाहते तो येल्लो दे दीजिए। और आउटलाइन अगर देना चाहते हैं किसी भी कलर में, जैसे रेड कलर में देना, देखो इस तरीके से हो जाएगा, ठीक है। तो अगर आप आउटलाइन देना चाहते तो दीजिए, नहीं तो फिर कोई बात नहीं है। ओके, अब देखिए ये जो लेयर है इस लिखा हुआ, इसको बड़ा कर देना जितनी बड़ी आपकी जैसे फ़ोटो है ये वाली। ओके, बहुत ही आसान तरीके से दोस्तों ऐसी वीडियोस को बना सकते हैं। और देखो, और अपने मन से रुको जरा, दिल से देखो और अपने मन से पूछो, अब बताओ ये कौन है, ठीक है, कुछ इस तरीके से लिख सकते हैं या कुछ और तरीके से भी लिख सकते हैं। अपनी मन की आंखों से देखो और बताओ कौन नज़र आ रहा है, कुछ इस तरीके से लिख सकते हैं, ठीक है, अपने मन की आँखों से देखो, ठीक है। तो फिर अब क्या करना है, यहाँ पे क्लिक कर देना है तो नीचे की तरफ जाएगा, ठीक है, तो देखो कौन नज़र आ रहा है। इस तरीके से आप करेंगे तो देखिए, इसको नीचे कर लेते हैं थोड़ा और इसको ऊपर कर लेते हैं तो देखने में अच्छा लगेगा। ओके, तो इस तरीके से देखिए, इस तरीके से, ओके, तो इतना हो जाएगा। तो आप यहाँ पे रख दीजिएगा और देखो फ़ॉन्ट ऑलरेडी ये हो गया है, क्योंकि एक बार फ़ॉन्ट किया था। और इसको बड़ा करना चाहे तो बड़ा कर सकते हैं, बस देखिए इतना कर सकते हैं। इसको भी येल्लो कर दीजिएगा तो देखने में बहुत ही अच्छा और बहुत ही अलग लगेगा, ठीक है। तो लोग जो हैं वो देखेंगे, और इसके लेयर को भी कितना बड़ा कर दीजिए, जितनी बड़ी आपकी फ़ोटो है, जैसे ये फ़ोटो है उतना बड़ा आपको कर देना है, ठीक है, छोटा नहीं रहना चाहिए वरना बीच में गायब हो जाता है। ये बड़ा और इतने लेयर है तो इस पर क्लिक करना है, ये देखो एक्स्ट्रा पार्ट है तो इसको ट्रिम कर लेना है इस तरीके से, ट्रिम राइट। ओके, तो आपका ट्रिम हो गया। हर वीडियो में आपको बताती हूँ इतना सब, तो वीडियो सभी एक जैसी ही समझ लो होती है, एडिटिंग बहुत ही कम अलग होती है, वरना एक जैसी ही होती है, इतना ही करना होता है। अब देखिए आपकी फ़ोटो भी हो गई, लिख भी गया। ओके, तो आपको अब क्या करना है, अब यूट्यूब पे जाना है तो यूट्यूब पे कोई सॉन्ग डाउनलोड कर लेना है फ्री वाला। अगर आप सॉन्ग डाउनलोड नहीं, हनुमान जी का लगाना चाहते हैं तो आप वहाँ पे हनुमान जी सॉन्ग नो कॉपीराइट डाल दीजिएगा तो आ जाएंगे यूट्यूब पे, ठीक है। और यूट्यूब पे जब वीडियो अपलोड करते हैं तो साउंड भी देते हैं फ्री वाला, आप वहाँ से भी यूज कर सकते हो, कोई कभी कॉपीराइट का इशू देखने को नहीं मिलने वाला है। और आप वहीं से ले सकते हैं, जैसे वीडियो अपलोड करते हैं तो वहीं से आप ले लीजिएगा, वहीं से आप क्या कीजिएगा, यूट्यूब जो साउंड देता है यूट्यूब की तरफ से वो आप यूज कीजिएगा, आपकी वीडियोज़ भी वायरल हो जाएगी, व्यूज अच्छे आएंगे और कोई कॉपीराइट का इशू भी देखने को नहीं मिलेगा। वीडियो ऐसे ही बन रही है दोस्तों, और जो आपका चैनल दिखाया था आपको वैसी ही वीडियो है। आप इसी टॉपिक पे काम कीजिए, बहुत ही जल्दी आपको सक्सेस मिल जाएगी और बहुत ही जल्दी चैनल आपका ग्रो हो जाएगा दोस्तों। इस तरीके से अपनी वीडियोज़ को बना सकते हैं। अब देखिए यहाँ पे और भी काम करना आपको बता देता है, जैसे इस पर क्लिक किया, इस पर ए वाले, रुको जरा देर से देखो, तो इसके स्क्रॉल डाउन करना, स्क्रॉल डाउन, और क्या करना है, बैकग्राउंड कलर, बैकग्राउंड कलर पे क्लिक करना है और यहाँ पे क्लिक कर देना है। ओके, और यहाँ पे क्लिक करना है, इसको ऑप्शन कर देना है, जैसे यहाँ पे क्या करना है, किसी भी कलर, जैसे मैं वाइट ले रही हूँ, जैसे इसमें नहीं वाइट लूँगी तो समझ में नहीं आया, जैसे मैं रेड ले रही हूँ। ओके, तो इस तरीके से देखो ये पीछे का बैकग्राउंड हो गया। अब क्या करना है, फुल वाइट और ए वाला फुल कर देना है। तो इस तरीके से देखो ये रेड वाला है, ये आपका इस तरीके से हो गया, ठीक है। तो आप इस तरीके से भी इसको बना सकते हैं, इसको भी ऐसे कर दो तो ये भी ऐसे बन जाएगा। ओके, इस तरीके से बना सकते हैं, जैसे लोगों का बहुत ऐसे भी बनाते हैं वैसे भी बना सकते हैं। तो मैंने आपको लिखना कई तरीके से बता दिया है, तो आप इस तरीके से कर सकते हैं। ओके, अगर आप कुछ बोलना चाहते हैं इस वीडियो में तो रिकॉर्ड पे क्लिक कीजिएगा और स्टार्ट पे क्लिक कर दीजिएगा, अपनी वॉइस भी कर सकते हैं अगर आप बोलना कुछ चाहते हैं तो, ठीक है। तो लोग जो आपने लिख दिया है तो देखेंगे और पहचानेंगे कौन है, क्योंकि आपको पहचान में इसलिए आ रहा है ज़्यादा क्योंकि आपने बनाई हुई है। अगर आप नहीं देखते तो ऐसे थोड़ा टाइम लग जाता है कि कौन है। ओके, तो यहाँ पर क्लिक करना है और यहाँ पे क्लिक करके सेव एज वीडियो पे क्लिक करना, आपकी वीडियो सेव हो जाएगी और आप यूट्यूब पे अच्छे से अपलोड कीजिए और वहीं से साउंड को लगा दीजिए वहीं से। ओके दोस्तों, वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब कर दें, ऐसे ही टॉपिक्स हमारे चैनल पर देखने को मिल जाएंगे, बहुत सारे टॉपिक हमारे चैनल पर आप देखेंगे।
और उसी टाइप से आप चैनल को क्रिएट कीजिए और वैसे ही वीडियोस बना के अपलोड कीजिए, बहुत ही जल्दी आपको सक्सेस मिल जाएगी और बहुत ही अच्छे खासे लोग जनरेट कर रहे रेवेन्यू को, बहुत ही अच्छी। दोस्तों मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में फिर से, बाय बाय।